सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आप जिसे बल से नहीं हरा सकती उसे बुद्धि से अवश्य हरा सकती हैं। उन पर ध्यान देना बंद कीजिए जो आपके पीठ पीछे कहते हैं, इसका सीधा संबंध है आप उनसे बेहतर हैं। धैर्य महान बनने की पहली सीढ़ी है, भरोसा रखना खुद पर, यहाँ तक आए हो तो आगे भी जाओगे। आज का पंचांग 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 5:06 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र रात्रि 11:56 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:22 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार, अभी कानूनी परेशानियां और पीड़ा या वाद विवाद आपकी खुशियों में बाधा बन सकती है। काम में अपने प्रयास जारी रखें और आप समस्या में ही समाधान ढूंढ पाएंगे। दूसरों की बातों को अनदेखा करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके शुभ चिंतक हैं। अच्छा, आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी आज से पहले इतनी सुंदर नहीं थी। व्यावसायिक रूप से आप उच्च स्तर पर हैं और आपकी दक्षता आपको पहचान दिला रही है। आपको मिलने वाली खुशी के बारे में पूरी जानकारी है। सफलता एक घटिया शिक्षक है, यह सोच विकसित कर देती है कि वो असफल नहीं हो सकती। अनुभवी लोगों से मुलाकात के अवसर मिलेंगे और सामाजिक दायरा बढ़ेगा तथा कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्तता भी रहेगी। घर की सुख सुविधाओं संबंधित खरीदारी में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। किसी मांगलिक आयोजन की भी योजना बनेगी। परिस्थिति का ठीक से विचार करते हुए आप निर्णय लेने की कोशिश करें। अभी भी आपके अंदर निर्णय को अमल में लाने की क्षमता नहीं है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। खुद को आप जितना आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे उतनी आसानी से परिस्थिति बदलना आपके लिए संभव होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। रिलेशनशिप से संबंधित चिंता हो सकती है, पीठ की जकड़न नजरअंदाज ना करें। सावधानियां, किसी मामूली सी बात को लेकर पड़ोसियों से कहा सुनी हो सकती है। अपने गुस्से और वाणी पर काबू रखें। बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें तथा उनका मार्गदर्शन करें। कहीं पैसा उधार देने से परहेज करें। बात करते हैं लव लाइफ की। ससुराल वालों की तरफ से कोई खबर मिलेगी। अपने अहंकार को दूर रखकर परेशानियों का सामना करना अच्छे साथी की निशानी है। आज का स्वागत एक मीठी से मुस्कान से करें। व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में आपको फायदा होने वाला है। लंबी चैट हाथों में हाथ डालकर घूमना और मीठी बातें करना अपने पार्टनर के साथ आपके रिश्ते को और भी दृढ़ करेगा। सच है कि धन प्यार नहीं खरीद सकता, किंतु धन जीवन में खुशियां जरूर ला सकता है। बात करती है करियर की। आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण आपको आर्थिक रूप से समृद्ध होने में मदद करेगा। अपने आप को किसी वाद विवाद से दूर रखें। शत्रु पक्ष भारी है, इसीलिए शुभ अवसर का इंतजार करें। आत्मविश्वास वह महत्वपूर्ण कुंजी है जो शैक्षणिक सफलता के लिए अति आवश्यक है। जीवन आज से पहले कभी भी इतना सुंदर नहीं था, क्योंकि आपका व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन अभी शानदार है। अपनी काबिलियत और गुणों के कारण लोग आपको पहचानेंगे। हमेशा की तरह बेहतरीन कार्य करें और सकारात्मक परिणाम पाएं। इस पल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने से आपको भविष्य में सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। बात करते हैं सेहत की। परिवारजनों तथा जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे तथा विवाह में परिणत होने के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। आज का उपाय, आज आप शनि भगवान जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें।
आपका दिन शुभ हो।